Hello students, you are most welcome in our physics lab. Today in class 11th we will perform to measure depth of calorimeter using vernier caliper. तो requirement में अपने को vernier caliper और calorimeter. ये अपना vernier caliper, ये अपना calorimeter. Vernier caliper का use में लेकर इस calorimeter का अपने को depth find करना है. अपनों ने इसका external diameter find किया, internal diameter find करना सीखा. आज अपन सीखते हैं इसकी डेप्थ, इसकी गहराई कितनी है. तो डेप्थ निकालने के लिए अपने को इसको किस तरह से यूज़ में लेना है, तो पहले इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं. तो इसका प्रिंसिपल के अंदर अपने को लिस्ट काउंट बताना है. तो लिस्ट काउंट क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी विच कैन बी मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट का मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ अपन इससे मेजर कर सकते हैं वो अपना वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो जाता है. तो लिस्ट काउंट की अपन डेफिनेशन ये हो गई. और लिस्ट काउंट को अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो प्रैक्टिकली क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल. तो मेन स्केल पर एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है अपनी, 1 mm डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 0.1 mm. तो मिलीमीटर के अंदर इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.1 mm. दूसरा मेथड भी है लिस्ट काउंट निकालने का, कि लिस्ट काउंट या फिर वर्नियर कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक डिवीज़न की वैल्यू मेन स्केल पर एक डिवीज़न की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल पर एक डिवीज़न की वैल्यू. तो मेन स्केल पर अपनों को पता है कितनी होती है, 1 mm, और वर्नियर स्केल पर होती है 0.9 mm. ये अपनों ने उधर समझा रखा है. 10 डिवीज़न कितने होते हैं, 10 डिवीज़न वर्नियर स्केल पर 9 mm के बराबर होते हैं. मेन स्केल पर 9 डिवीज़न कवर करते हैं, अपनों को अच्छे से पता है इसको देखने पर. तो एक डिवीज़न की वैल्यू आ जाती है 0.9 mm. तो यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको माइनस करते हैं, तो अपने पास लिस्ट काउंट दूसरे मेथड से भी आ जाता है 0.1 mm. इसको अपन 10 से डिवाइड करते हैं तो अपना सेंटीमीटर में आ जाता है. कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर. हमें डेप्थ किस तरह से मेज़र करनी है, तो इसको यूँ प्रेस करते हुए हम खोलते हैं तो ये हमें स्ट्रिप दिखाई देती है. स्ट्रिप का यूज़ में लेते हुए हम इसकी डेप्थ मेज़र करते हैं. इसको हम डिप करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से बॉटम पे टच नहीं हो जाती. तो मैं इस तरह से लेफ़्ट हैंड से इसको प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पे रख के इस तरह से डिप करता हूँ, तो ये मेरा टच हो गई है. फिर मेरे को रीडिंग पढ़नी रहेगी. इसी तरह से अलग अलग पोजीशन पे मैं 5 रीडिंग्स पढ़ूँगा. तो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं. यस, अपने पास कैलोरीमीटर है, वर्नियर कैलिपर है. वर्नियर कैलिपर का यूज़ में लेकर अपने को कैलोरीमीटर की डेप्थ निकालनी है. तो जो अपने लोअर जाउज है इससे हमने एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड किया था, अपर जाउज से हमने इंटरनल डायमीटर फाइंड किया था. अब इसके पीछे जो मेटल स्ट्रिप है, ये पीछे है, ये पूरी ये मेटल स्ट्रिप और पूरी स्केल के बराबर ही है. जैसे अपन इसको प्रेस करके खोलते हैं तो ये पीछे स्ट्रिप दिखाई दे रही है. तो ये स्ट्रिप की जो लेंथ आएगी, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, तो नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर के बराबर है. मेन स्केल पर जो रीडिंग आ रही है 2 सेंटीमीटर, इतनी ही अपनी स्ट्रिप बाहर निकलती है और इतनी ही डिस्टेंस ये लाउड जाउस के बीच में होती है और उतनी ही डिस्टेंस इसके अपर जाउस के ये लास्ट कॉर्नर है इनके बीच की होती है. यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये पीछे की स्ट्रिप की जो लेंथ है, तीनों बराबर साथ साथ चलती है. अब फिलहाल अपने को निकालनी है इसकी डेप्थ. तो अपने को पता है इसको इस तरह से यहाँ पे रखने के बाद इसके अंदर डिप करते हैं जब तक कि लास्ट इसका कॉर्नर बॉटम पे अड़ जाए. इस तरह से इसको लगाने के बाद हम तब तक इसको अंदर डिप करते हैं जब तक कि बॉटम पर ये टच नहीं हो जाए. टच होने के बाद हम इसमें रीडिंग पढ़ते हैं. तो ये टच हो गया है, अब इसको हटा देते हैं. ये इसकी डेप्थ है, ये जो लेंथ है ये लेंथ हमें पढ़ने के लिए इधर रीडिंग पढ़नी है. बस हमें रीडिंग नोट करना आता है. बड़ी केयरफुली हम इसकी रीडिंग्स नोट करते हैं. तो मेन स्केल पर हमारी रीडिंग आ रही है 7.3. जूम कर देता हूँ, 7.3. और
वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न आ रहे हैं हमारे, फिफ्थ नंबर ऑफ डिवीज़न आ रहे हैं हमारे फाइव्थ। वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न जो मेन स्केल पर कोइंसाइड हो रहा है वो अपना फिफ्थ नंबर का डिवीज़न है। ये हमारा फाइव नंबर का डिवीज़न मेन स्केल पर कोइंसाइड हो रहा है, बस ये रीडिंग हमने पढ़ ली। इसी तरह हम वर्नियर कैलिपर्स को अलग अलग पोजीशन पर कैलोरीमीटर के ऊपर रखकर कई सारी रीडिंग्स नोट कर सकते हैं। हम इस तरह फाइव रीडिंग्स नोट करेंगे, बस इस टेल को डिप करेंगे और आगे रीडिंग्स पढ़ेंगे। यस, हमने स्पेक्टिकल को परफॉर्म किया। हमारी फर्स्ट रीडिंग आई थी मेन स्केल पर 7.3 और वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीज़न आए थे अपने 5। आगे हमें किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, तो इसको लिस्ट काउंट से इंटू करना है 0.01, तो इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 0.05। तो टोटल अपने पास डेप्थ आ गई 7.35 सेंटीमीटर। ये अपनी फर्स्ट रीडिंग हो गई, ये अपनी फर्स्ट रीडिंग है। आगे की रीडिंग्स किस तरह से निकालते हैं, तो मैं इस तरह इसमें इसको डिप करके अलग अलग पोजीशन पे रीडिंग्स नोट करता हूँ। तो अगली रीडिंग आएगी, मेन स्केल पर आ रही है मेरे 7.3 और नंबर ऑफ डिवीज़न आ रहे हैं 4। तो अगला हो गया मेरा मेन स्केल पर 7.3 नंबर ऑफ डिवीज़न 4 इंटू आगे एलसी से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0.04। टोटल रीडिंग आ गई 7.34। इसी तरह से फाइव रीडिंग्स अपनों को करनी है। सेकंड हो गई, तो इधर देखना है थर्ड। थर्ड के अंदर अगली वापस इसे क्लोज करके मैं वापस किसी एक पोजीशन पे इसको लगा करके रीडिंग्स पढ़ेंगे। वर्नियर स्केल पर डिवीज़न आ रहे हैं 8, तो 7.38 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.08 और अपने पास हो गया 7.38। इसी तरह से अगली रीडिंग फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ रीडिंग निकालने के लिए सेवन पॉइंट थ्री नंबर ऑफ डिवीज़न आए मेरे 2, 0.01 इज इक्वल टू 0.02 और 7.32 और लास्ट में आ गई मेरे, इसको मैं लेता हूँ 7.3 नंबर ऑफ डिवीज़न आ रहे हैं मेरे 6, 0.01 इज इक्वल टू 0.06 और 7.36। अब इन सबका मुझे मीन फाइंड करना रहता है, तो कितना रहेगा मीन, इस तरह से हमने फाइव रीडिंग्स कंप्लीट करने के बाद इसका मीन फाइंड किया, तो अपना मीन जो डेप्थ आई अपने पास 7.35 सेंटीमीटर, यानी अपना रिजल्ट रहा डेप्थ ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 7.35 सेंटीमीटर। तो बड़ी आसानी से अपन वर्नियर कैलिपर को रीड करना जानते हैं। टोटल रीडिंग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डायमीटर या फिर डेप्थ यूज़ में लेना है यहाँ पे। डेप्थ इज इक्वल टू हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीज़न इंटू लिस्ट काउंट। इससे अपन पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़िए इसको आराम से, वर्नियर कैलिपर इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगले जो प्रैक्टिकल है उनको भी हम आसानी से कर पाएंगे अगर इसको समझ लिए तो। आराम से पढ़िए, टेक केयर, बाय।